सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप वी आर डूइंग वेल। एग्जैक्टली बहुत दिनों का मैं वीडियो नहीं छोड़ा, मतलब अप्रोक्स तो 15-20 दिन तो हो ही गया होगा। एग्जैक्टली मैं पिछला संडे वीडियो बनाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो रूम पार्टनर था उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट नहीं, मतलब थोड़ा सा इंजरी हो गया, तो उसकी वजह से मुझे मेडिकल में रुक करना पड़ा। इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था, फिर वो ठीक ठाक है अभी। सो उसके बाद मेरा जो फ्रेंड्स लोग थे वो कोल्हापुर गए थे उस संडे। कोल्हापुर जाना मेरा भी तो बहुत एक ड्रीम था, मतलब बहुत सुना है कि कोल्हापुर का हाई रोड जो है बहुत अच्छा है, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, जिसको देख के मतलब पूरा गाड़ी भगाने का मन करता है वैसा होता है। सो फिलहाल तो वो ट्रिप भी मिस हो गया, और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले वो लोग लोनावाला भी गए थे, फिलहाल मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरा फुल टाइम जॉब है और उसको मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। सो एग्जैक्टली आज मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिन के बाद ही फिलहाल। सो आज जो है जनवरी 22, और पिछले साल आई मीन 2021 जनवरी 22 पे मैंने अपना बाइक लिया था। सो आज ही मेरा बाइक का फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी। सो फिलहाल तो मैं, आप लोग जो देख रहे हैं, मेरा छोटा सा रूम है, अकेला ही रहता हूँ। रूम इतना अच्छा नहीं है, वरना मैं दिखा देता रूम कैसा है मेरा, मतलब क्या बोले, तो इतना अमीर भी नहीं है। सो फिलहाल मैं वीडियो को इस रूम के अंदर खत्म नहीं करूंगा। सो अभी निकलते हैं बाहर, थोड़ा बाइक से घूम लेंगे, थोड़ा मोटो ब्लॉग जैसा ही बना लेंगे, और मैं अपना जो 1 ईयर मतलब ओनरशिप का एक रिव्यू टाइप का भी दे सकता हूँ उसमें अच्छा है से। सो चलिए अभी हम लोग बाहर मिलते हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी रोड पे पहुंच चुके हैं, एंड मैं सोच रहा हूँ कि वो यून पार्क की तरफ जाऊँ, थोड़ा वहाँ पे लाइटनिंग अच्छा आता है रात को, क्योंकि दिन में टाइम था बट मैं कंपनी से आने का थोड़ा थक गया था, तो आके थोड़ा सो लिया मैंने। तो फिलहाल अभी सोचा रात को ही कुछ वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इनफैक्ट इतने देर से कुछ वीडियो बना नहीं, और ऊपर से आज मेरे बाइक का बर्थडे है, तो ऐसा तो होने से तक मैं वीडियो ना बना। ओह शिट। तो इधरली मैं जो सोचा था कि जिस एरिया पे ज़्यादा लाइट होगा, असल में आज पूरा अंधेरा ही अंधेरा है उस तरफ। तो लेट इट, मैं ऐसे ही गाड़ी में चलाते चलाते वीडियो बना देता हूँ। सो देख, इसका जैसे कि ये बाइक का मेरा कनेक्शन 1 ईयर हो गया, मतलब आज इसका कंप्लीट 1 ईयर हो गया मेरे साथ, इसका मैं मतलब ओनरशिप 1 ईयर हो गया है। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो बाइक का परफॉर्मेंस के ऊपर अगर मैं देखूँ तो इसको बाइक को मैं 4.5 out of 5 दूंगा मैं, और इसको देखो अगर पावर के मामले में तो इसको 5 out of 5 ही दूंगा, माइलेज के मामले में 3.5 out of 5 दूंगा, क्योंकि एज इट इज फिलहाल देखा जाए तो इसके हिसाब से इसका टॉर्क एंड BHP बहुत ज़्यादा ही है, तो इसके हिसाब से ये माइलेज थोड़ा कम देता है, 30+ दे रहा है, बट मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये मतलब 35+ दे। फिर भी मैंने जब इसको कंपेयर किया कि इसका पावर के साथ माइलेज, तो मुझे जस्टिफाई लगा कि हाँ इतने पावर में तो इतना ही माइलेज देगा। देन उसका देखा तो हैंडलिंग का, मतलब हैंडलिंग तो एकदम मक्खन है, और ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा। ब्रेकिंग सिस्टम को देखा जाए तो मैं इसको दूंगा कोई 5 out of 5, नो मच मोर प्रॉब्लम। और अभी बहुत जल्दी ये 10,000 किलोमीटर होने ही वाला है, 99998 पे रुका है, मतलब आज ही इसका 1 साल पूरा मतलब कंप्लीट हो रहा है, और उसके साथ ही 10,000 किलोमीटर कंप्लीट भी होने वाला है, क्या बात है। तेल ख़त्म होने वाला है, और इनफैक्ट मैंने वेट किया है कि कैसे ये, जब ये तेल ख़त्म होगा तो मैं दूसरे पेट्रोल पंप से ऑयल डालूंगा। मैं जब बाइक लिया था उस टाइम यहाँ पे एक फ़र्स्ट सेल्फी लिया था, मतलब फर्स्ट टाइम मैं रात को निकला था बाहर, और उस टाइम यहाँ पे पूरा लाइट जल रहा था, तो मैं वहाँ पे एक सेल्फी लिया था बाइक के साथ, चल रहा है तो वीडियो। फिलहाल बाइक बहुत ही अच्छा है, लिटिल बिट थोड़ा ओवर प्राइज्ड है, जिसको लेना है तो वो ले लेगा, जिसको क्रेज है इस बाइक का वो लेगा किसी भी हाल में, नो इशू। ऐसे कैसे भाई बाइक चला रहे हो तुम, लेट इट, हाँ ये खुली जुल्फे। सो फाइनली 10,000 किलोमीटर हो गया है, इनफैक्ट 10,000 होके पार भी हो गया है, आप लोग देख सकते होंगे 10,000 किलोमीटर, मतलब लगभग तो मैंने जाने दो, वो हिसाब नहीं निकालूंगा कि मैंने पेट्रोल पे कितना खर्चा किया है। सो लेट इट, मैं थोड़ा उतर के दिखा देता हूँ बाइक। ओह माय गॉड, बाइक पूरा तो फिलहाल अभी इतना न्यू हाल में नहीं है, बट
देखा जाए काफी कंडीशन मेरा तो बहुत ही अच्छा है, बस इसका एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो सारी गार्ड मतलब ये मड गार्ड जो है पीछे का बहुत हाई बेट होता है, अदरवाइज कुछ इशू नहीं, बस उसका हाई बेट इतना होता है कि मतलब आपको अगर थोड़ा सा ऑफरोडिंग आएगा ना आप बोले भाई मैं स्लो ही हो जाता हूँ। बाकी क्लच क्लच सब वगैरह वगैरह सब ठीक है, तो स्टिकर्स में लगा दिया है। सो लिटरली अगर देखा जाए तो मैं बाइक से बहुत 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 खुश हूँ, एंड इनफैक्ट बस एक ही मेरे को इसमें प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा मतलब 200 cc एटलीस्ट स्पीड तो 150 तक तो जाना चाहिए था, एटलीस्ट 155 ऐसे जाना चाहिए था। व्हाट द फक, क्या चाहिए तुझे? लेट इट, ओ माय गॉड, अब तुझे भी क्या चाहिए? अबे रुक, पीना था, मेरे पास कुछ बिस्किट विस्किट नहीं है। क्या चाहिए तुम लोग को भाई? लेट इट। सो इधर गया भाई, आई डोंट नो क्या चाहिए इनको। लेट इट। सो अब क्या बताऊँ, रात ही बहुत हो चुका है, अभी मुझे रिटर्न करना होगा क्योंकि कल संडे है, ऊपर से संडे को भी ड्यूटी डाल दिया कंपनी ने। नथिंग, कुछ नहीं लाया मैं बिस्किट विस्किट, लाता तो पक्का देता, सॉरी। इनफैक्ट हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप होने वाला है क्लब का, वो जनवरी 26 को होगा, और लोकेशन एक मिनट बताता हूँ मैं। लोकेशन है माटोवा लेक, मतलब बहुत ही नज़दीक है हमारे, मेरे रूम से तो वो कितना है अप्रोक्स 40 किलोमीटर दूर है। सो फाइनली ये वीडियो आपको कल मिल जाएगा देखने के लिए यूट्यूब पे, और जो अपना क्लब का वीडियो है 26 को ही आएगा, सुबह राइडिंग होगा एंड शाम को मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो फिलहाल आज के सफ़र में इतना ही, वन सेकेंड मैं अपने बाइक को हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी बोलूँगा, इनफैक्ट भले उसके अंदर दिल ना हो बट मेरे लिए तो वो सब कुछ है। सो आज के सफर में इतना है, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो